हेलो एवरीवन, हमारी आज की रेसिपी है पतरोड़ा। मैं हिमाचल से हूँ और हिमाचल में हम इसको पतरोड़ा कहते हैं। गुजरात में इसको पात्रा कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसका नाम आलू वड़ी है एंड आई एम श्योर कि भारत की दूसरी स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए अरबी के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने अरबी के कुछ फ्रेश पत्ते लिए हैं, ये सॉफ्ट वाले होने चाहिए। तो इन पत्तों को अच्छे से धो के तैयार कर लिया है। इनको सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर पानी रुकता नहीं है। अब पत्ते के पीछे के पार्ट में ये जो स्टेम होती है इसको हम नाइफ से अच्छे से काट लेंगे और इस पत्ते को स्मूथ कर लेंगे और इस तरह से इसको एक कट लगा के हम रेडी कर लेंगे। इसमें हमें एक पेस्ट लगाना पड़ता है जो बेसन से बनता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं जिसमें धनिया, अनारदाना, जीरा, अजवाइन, हरी सौंफ का 1-1 टीस्पून डाला है। साबुत धनिए को थोड़ा सा क्रश कर लिया था। दूसरे ग्राउंड स्पाइसेस में हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची को काट लिया था और 1 बड़े अनियन को अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया था ताकि बड़े बड़े पीस ना रहें। हमें ये बैटर एक बहुत थिक कंसिस्टेंसी का बनाना होता है क्योंकि इसी को हम पत्तों के ऊपर लगा लगा के लेयर्स बनाएंगे और फिर उसका एक रोल बनाएंगे। इसलिए हम इस बैटर को बहुत रनी नहीं बनाते हैं, नहीं तो रोल अपनी शेप नहीं लेगा और रोल बनाने में भी हमें मुश्किल आती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक ऐसा थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे और हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर साइड पे रख देंगे। 10 मिनट में अनियंस भी अपना पानी छोड़ेंगे और ये 10 मिनट के बाद ये बैटर इस तरह से एकदम बढ़िया रेडी हो जाता है और बेसन भी फूल जाता है। अब देख लेते हैं कि आगे हमें रोल किस तरह से बनाना है। तो आपके पास जो भी पत्ते हैं उनमें से सबसे बड़े वाले आप 2-3 पत्ते पहले साइड पे रख लें। एक रोल में हम 4 से 5 पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और पत्तों को इस तरह से लेयर आउट करेंगे कि एक स्मूथ सा ओवरऑल लेयर तैयार हो और बीच में कोई मोटा पोर्शन ना रहे ताकि ये रोल इक्वल बने और इक्वली स्टीम हो, कहीं से कच्चा कहीं से पक्का ना रहे। अपने हाथों से इस तरह से हम पत्ते पे बेसन का जो हमने बैटर बनाया था इस तरह से हम चारों तरफ फैला देंगे और छोटे वगैरह पत्ते हम इस तरह से बीच बीच में लगा के एक अच्छी सी लेयर इन रोल्स को बनाने के लिए तैयार करेंगे। ये देखिए, ये पत्ते पे मैं अच्छी तरह से बेसन लगा रही हूँ ताकि हर बाइट में हमें इक्वल सा टेस्ट मिले। और इस तरह से चारों तरफ से हम पत्ते लगा लगा के बना लेंगे। अब फोल्ड करने के लिए पहले सेंटर से हम 1/2 को लेके इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी अच्छी तरह से बेसन को लगा देंगे। ये बेसन स्टीम होके अच्छे से फूलेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे से बेसन को पहले फेंट लें और थोड़ा सा रेस्ट करने दें, क्योंकि अगर ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेंगे तो खाने में उतना टेस्ट नहीं आएगा और हार्ड पतरोड़ा आपका बनके तैयार होगा। और ये लेयर्स को फोल्ड करते टाइम हम अपने हाथ से थोड़ा सा दबाव देंगे और एक टाइट रोल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सबसे बाहर का पत्ता फट भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्टीमिंग के बाद जब ये पत्ते रोल्स ठंडे होंगे तो ये अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये फटाफट से रोल बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने बाकी पत्तों का यूज़ करके भी रोल बना लेंगे। मेरे पास ये 3 बड़े और 1 छोटा रोल बनके तैयार हुआ है। स्टीमिंग के लिए पानी को मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था और अब हम इस तरह से रोल्स को इसके ऊपर अरेंज
कर लेंगे। अगर आपके पास इनकेस हल्दी का हरा पत्ता है तो इन रोल्स को आप एक एक पत्ते में भी लपेट के स्टीमिंग के लिए रख सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आपके रोल्स में आएगा, एक फ्रेश सा। बस इन रोल्स को हम पानी टच नहीं होने देंगे। पहले 5 मिनट हम इनको हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे और उसके बाद 40 मिनट्स इनको लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। ये देखिए, आफ्टर 45 मिनट्स इस तरह का रिज़ल्ट हमें मिला है। मैंने इनको ठंडा होने फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए इस तरह से ये पतरोड़ा बनके तैयार हुआ है। अब हम इनको स्लाइसेस में काट लेंगे और हम इनको एक छोटा सा तड़का लगाएंगे जस्ट बिफोर सर्विंग। आप इनको स्नैक्स में भी खा सकते हैं, परांठा या फुल्का के साथ भी खा सकते हैं, और दही, केचप, चाय, जिसके साथ आप इस पतरोड़े को एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा तवा रखा था, आप कढ़ाई या नॉर्मल किसी भी पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से फ्रेश जीरा डाला है, इसका रोस्टेड जीरे का बहुत अच्छा सा बाइट और बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अगर आपके पास शुरू में अनारदाना नहीं हो, जो कि मैंने शुरू में डाला था, तो आप अमचूर पाउडर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये गरम तवे के ऊपर देखिए, ऐसे एक एक करके हम, क्योंकि ऑयल साइड पे चला गया है तो ऑयल में थोड़ा सा इसको भिगा के हम बीच बीच में लगा देंगे। ये सारे स्लाइसेस मैंने तवे पे डाल दिए थे और हम इसको फ्लिप कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आया है। आप अपनी मर्जी की क्रिस्पनेस तक इसको क्रिस्प करें और गरम गरम इस तरह से सर्व करें। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा गरम चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आई होप कि ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे।